हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू वे जर्नी। और आज हम जाएंगे पश्चिमी दिल्ली में राजौरी गार्डन से होते हुए पंजाबी बाग से नेताजी सुभाष प्लेस नियर वजीराबाद एंड पीतमपुरा। सो फ्रेंड्स, अभी हम जिस रोड पर हैं ये है दिल्ली की इनर रिंग रोड, जो कि लगभग 47 किलोमीटर्स की है। और ये जो फ्लाईओवर है राजौरी गार्डन फ्लाईओवर है, और ये जो ट्रैक आपको ऊपर से नज़र आ रहा है, दिस इज़ द ट्रैक ऑफ ब्लू लाइन, जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करती है पिंक लाइन के साथ, जो कि ये सामने जो आपको दिख रहा है लेफ्ट में, ये मेट्रो स्टेशन है पिंक लाइन का राजौरी गार्डन का। यहाँ पर ब्लू लाइन जो कि नोएडा और वैशाली से आती है, वो यहाँ से द्वारका, और पिंक लाइन जो कि शिव विहार से जाती है मजलिस पार्क, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं। इस जगह पर काफ़ी सारे मॉल्स भी हैं, जैसे TDI मॉल्स एंड सिटी सेंटर मॉल। इन मॉल्स और इस इंटरसेक्शन की वजह से ये जगह बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह हो जाती है वेस्ट दिल्ली में। और इससे आगे जाने पर ये फ्लाईओवर जैसे आप एंड करते हैं तो उसके राइट की तरफ में आ जाता है राजधानी कॉलेज। यहाँ आसपास के एरियाज़ में राजा गार्डन, बाली नगर और शिवाजी इंक्लेव प्रमुख हैं। ये रिंग रोड जो दिल्ली में बनाई गई है ये बिल्कुल सिग्नल फ्री है, तो जितना भी ये एरिया है अराउंड 47 किलोमीटर्स का, आपको विदाउट एनी रेड लाइट मिलेगा। और यहाँ पे हर तरफ फ्लाईओवर बनाए हुए हैं। इस रोड के पैरेलली में पिंक लाइन मेट्रो का ट्रैक चलता रहता है। ये लेफ्ट में अगर आपको नज़र आ रहा है तो ये ESI हॉस्पिटल मेट्रो स्टेशन है। और ये जो रोड है ये काफ़ी वाइड है, ब्रॉड है, और आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, ऊंची बिल्डिंग्स यहाँ पर कम बनाई गई हैं। इनफैक्ट दिल्ली से ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स गुड़गांव और नोएडा में आपको मिल जाएंगी। दिल्ली के अंदर ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्ट्रक्चर्स हैं, वो लो राइज ही हैं। अगर आप ये लेफ़्ट की साइड देखें तो ये मेट्रो का जो ट्रैक है वो पैरेलली साथ में चल रहा है रोड के। एंड ये इस रोड की बहुत खासियत है, क्योंकि जब से मेट्रो का ट्रैक इस रोड पर आया है तब से यहाँ का जो ट्रैफिक जो था, जो पहले इस पे लोड हुआ करता था, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है। और दिल्ली के अंदर ये बहुत अच्छी बात है कि मेट्रो का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डेवलप हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली डेवलप्ड हुआ है, और उससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिली है दिल्ली को इन टर्म्स ऑफ इट्स ट्रांसपोर्टेशन। और अभी हम जिस एरिया में हैं ये पंजाबी बाग का एरिया है। यहाँ लेफ्ट और राइट साइड में पंजाबी बाग है। अगर आप लेफ्ट और राइट यहाँ से कट ले लेंगे तो आप पंजाबी बाग में पहुँच जाएंगे, जो कि एक बहुत ही पोस्ट एरिया है दिल्ली का, बहुत ही रेपूटेड एरिया है। इनफैक्ट वेस्ट दिल्ली में दिल्ली के बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेसेस आते हैं। और ये जो रोड है ये जोड़ती है साउथ दिल्ली को वेस्ट दिल्ली के साथ, सेंट्रल दिल्ली भी यही रोड जोड़ती है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी रोड है, तो इसके एरिया में इसके साथ साथ बहुत सारे एरियाज आते हैं। अगर इस रोड की वैसे आप बात करें तो ये स्टार्ट होता है महारानी बाग से, ये स्ट्रेच यहाँ से, एंड महारानी बाग, साउथ एक्सटेंसर, लाजपत नगर, एम्स, सब्जाजंग, सरोजनी नगर, बिकाजी कामा प्लेस एंड मोतीबाग, धोलाकुआं, नारायणा, मायापुरी, ये सब एरिया कवर करते हुए ये रोड यहाँ तक आती है। और आपको ये बस स्टैंड के पीछे थोड़ा सा मैदान और स्टेडियम टाइप नज़र आ रहा होगा, तो दिस इज़ द पंजाबी बाग क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ पर क्रिकेट होता है, और कभी कभी यहाँ पर सर्कस या फेयर्स भी लगते हैं। एंड अब हम जिस जगह पे आ गए हैं ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट में जो मेट्रो स्टेशन है, ये है पंजाबी बाग वेस्ट का मेट्रो स्टेशन। और यहाँ से अगेन आपको एक और ट्रैक मिलता है मेट्रो का, जो कि सामने अगर आप देखें तो एक ये मेट्रो का ट्रैक है। ये मेट्रो यहाँ पर पंजाबी बाग पर आकर इंटरसेक्ट करती हैं आपस में, पिंक लाइन और ग्रीन लाइन मेट्रो। जो ग्रीन लाइन मेट्रो है वो आती है इंदरलोक से और कीर्ति नगर से और जाती है बहादुरगढ़ तक। ये मेट्रो दिल्ली की शायद सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेट्रो है, अराउंड 20-29 किलोमीटर्स की मेट्रो है ये।
सो अब हम पहुंचने वाले हैं सकूरपुर मेट्रो स्टेशन के पास, मगर उससे पहले ये आपको लेफ्ट में एक रोड जो जाती हुई नज़र आ रही है, ये जो सामने जा रही है ये जाती है रानी बाग और मंगोलपुरी। अगर आप रानी बाग या मंगोलपुरी की तरफ जाना चाहते हैं तो ये रोड आपको वहाँ पर ले जाएगी, और ये रास्ता आगे हमें ले जाएगा नेताजी सुभाष प्लेस सकुरपुर से होते हुए, फिर हम लेफ्ट जाएंगे पीतमपुरा की साइड। एंड ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आने लग गई है, दिस इज़ द मेट्रो स्टेशन ऑफ सकुरपुर। ये ग्रीन लाइन जो बसेज हैं दिल्ली के अंदर, ये नॉन एसी बसेज हैं। दिल्ली के अंदर चार कलर्स की बसेज अभी अप्लाई करती हैं। एक है जो आपने देखी ग्रीन लाइन, देन देर इज़ ऑरेंज लाइन, देन देर इज़ रेड लाइन, और एक और लाइन है जो है ब्लू लाइन। इनमें से जो ऑरेंज लाइन और जो ग्रीन लाइन है ये नॉन एसी हैं, और जो रेड लाइन है और ब्लू लाइन है बोथ ऑफ देम आर एसी। एंड इनका जो ट्रैवल का डिस्टेंस का जो आपको फेयर होता है वो भी काफ़ी रीजनेबल है, 15 रुपीज़ मैक्सिमम है नॉन एसीज़ में, और बाकी में जो एसीज़ हैं उनमें 25 है। एंड नाउ अगर आप लेफ्ट की साइड देखें तो हम पहुंच गए हैं नेताजी सुभाष प्लेस, जो कि एक ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है। ये जो लेफ्ट में आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ द सुभाष नेताजी सुभाष प्लेस। एंड हम यहाँ से लेफ्ट चले जाएंगे और यहाँ पे है दिल्ली का बहुत ही आइकॉनिक टीवी टावर आल्सो, एंड यू कैन सी ये यहाँ पे मॉल भी हैं और ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस भी हैं। सो नाउ ये जो लेफ्ट में आपको दिख रहा है ये सारा का सारा है सुभाष प्लेस, नेताजी सुभाष प्लेस। और यहाँ पर मेट्रो का जो ट्रैक था वो अंडरग्राउंड है, इसलिए यहाँ पे आप देखेंगे तो काम भी चल रहा है, यहाँ पर अंडरग्राउंड मेट्रो है। एंड ये जो लेफ्ट का सारा एरिया है ये सारा कॉम्प्लेक्स है नेताजी सुभाष प्लेस, और यहाँ पर आपको खाने के आउटलेट्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे। अगर आप कभी चाहते हैं कि आपको घूमना है और कुछ खाना पीना है तो ये जगह काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। एंड ये जो रोड है जिस पर अब हम जाने लगे हैं ये आगे जाके पीतमपुरा मिलती है, और आगे रोहिणी भी यही रोड जाती है। एंड दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नेताजी सुभाष प्लेस, एंड इसके राइट में है जो अगर आपको सामने दिखने लगा होगा दैट इज़ द पीतमपुरा टावर, टीवी टावर इसे कहते हैं, बहुत ही आइकॉनिक सी बिल्डिंग है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।